गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइज हम लोग भी सब बढ़िया हैं। और गाइज आज मैं बताऊंगी आपको, मैं सोच रही थी कि जरा वेट ज्यादा ही हो गया, वेट लॉस के लिए कुछ बनाऊं, कुछ करूं। तो मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं वेट लॉस के लिए सैलेड तैयार करूं, जिसे कि हमें अपने डाइट में रोज यूज करना चाहिए, और आज से हम भी करेंगे। आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो आप अपने डाइट में जरूर सैलेड को यूज कीजिए, और जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड कीजिए। तो मैं कैसे बनाती हूँ सैलेड, आप भी देखिए, तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइस सबसे पहले हम जो सैलेड में हमने यूज करना है उसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मटर के पत्ते, ये फ्रेश धनिया, और ये है मूली के पत्ते, और ये है अमरूद, और हम लेंगे छोटा सा खीरा, कुकुम्बर, रहा गाजर, और ये रही थोड़ी सी ब्रोकली, और ये रहे ब्लैक किशमिश। तो सबसे पहले हम करेंगे गाजर को चॉप। ये रहा खीरा, इसको भी हम कट कर देंगे। अमरूद, क्योंकि ये सैलेड सबके लिए सही होगा, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। ये ब्रोकली, ब्रोकली को हम यूज करेंगे क्योंकि इस सीजन में ब्रोकली सस्ती होती है, तो हम ब्रोकली को यूज करेंगे। अगर आपके पास ब्रोकली है तो आप माल्टे या कुछ पपीता कुछ भी यूज कर सकते हो। अब रखेंगे गाइस हम इसमें मटर के पत्ते, ये फ्रेश मटर के पत्ते हैं, हमको इनको भी यूज करेंगे अपने सैलेड में। तो ये है गाइस मूली के पत्ते, जो ये मूली के डंठल दिख रहे होंगे आपको, हम इनको भी यूज करेंगे। ये भी बहुत अच्छे होते हैं जिसके शरीर में गर्मी हो, या इससे आंखें भी बहुत तेज होती है और ये खून बढ़ाने में काम करती है। तो गाइज अब करेंगे हम गैस को ऑन। तो गाइज आप भी अपने डाइट में सैलेड जरूर यूज कीजिए, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लंच में इसको यूज कर सकते हो आप, एक दो रोटी और उसके साथ ये सारे इसको यूज कर सकते हो, सैलेड को यूज कर सकते हो। तो गाइज ये है तिल या सीड्स, ये है अनार, गाइस ये है तिल, व्हाइट वाले तिल। थोड़ा हम इसे सैलेड के ऊपर डालेंगे, थोड़े से रोस्ट कर देंगे पहले, इसको हम रोस्ट करेंगे। और ये है या सीड्स, इसे भी हम इसमें सैलेड में यूज करेंगे। तो एक दो चम्मच हम इसको भी रखेंगे, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होती है। अब है बारी गाइस सीड्स की, तो हम ऊपर से इसको डालेंगे, और ये रहे थोड़े से अनार, तो गाइस अब है ब्लैक सॉल्ट, इसमें डालेंगे ऊपर से। गाइस इसमें ऊपर से डाल देंगे हम ब्लैक किशमिश, और ये आती है नींबू की, इसमें हम ऊपर से नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा सैलेड हो गया तैयार, देख सकते हो आप। और गाइस प्लीज आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और अपने डाइट में इसको जरूर यूज कीजिए। तो देख सकते हो आप, वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इससे वेट बहुत ही कम होता है, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही पौष्टिक होता है, और ये हर बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। गाइज आप अपने और अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए
सबके लिए आप भी अपने बच्चों की डाइट में से जरूर शामिल कीजिए। इसमें न्यूट्रिशन, विटामिन सी, सारे पोषक तत्व तो इसमें भरपूर मात्रा में है। और ये अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर से और मोमो चाउमीन से दूर रखिए और अपने बच्चों के डाइट में और अपनी डाइट में से जरूर शामिल कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए।